हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में। तो जो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सीरीज है भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो इसके हम टोटल वीडियो बनाने वाले हैं और ये हमारा भारतीय जो राजव्यवस्था है उसका पहला वीडियो है जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस देश का संविधान है वो एलिकिस संविधान है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूके ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो एलिकिस संविधान है, तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर ही शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उनके सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1949 में किया, तथा जिसके कुल सदस्य थे उनकी जो संख्या थी वो 389 थी, यानी 389 उसके कुल सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, तथा जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि चुने गए थे। तो इसके जो कुल सदस्य चुने गए थे वो 389 जो सदस्य हैं वो चुने गए थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की अंतकालीन संसद के कितने सदस्य थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 296। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। अधिनियम 1919 का और जो गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे फ्रेडरिक व्हाइट, 1921 से 1925 तक रहे थे, जबकि इसके दूसरे जो अध्यक्ष थे वो थे स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल, 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक ये रहे थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 1921। फैक्ट के साथ मैं क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फैक्ट भी अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड अगर याद रखेंगे तो अगर उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसका राइट आंसर दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव दिए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का जो गठन है वो संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कि भारत की संविधान सभा का जो गठन है, जो कि भारतीय संविधान सभा है, वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत नियंत्रण महालेखा परिषद नामक पद का है वो सुझाव दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जबकि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बहुत बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक है वो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। तो वो जो भारत में संविधान में जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को है वो हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, प्रस्तावना।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यान रहे कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को हम एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है वो शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया था तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि जो शेष जो पूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को है वो लागू कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक बार संविधान किया गया है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। इसके द्वारा उद्देश्य क्या हमें समाजवादी समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल आज तक एक बार ही जो संशोधन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद एक के अंतर्गत भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान के जो निर्माताओं के जो मनोभाव और आदर्श हैं वो उद्देशिका में है वो प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान की किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। एंड्री बेरुबानी यूनियन 1960 मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली एक कुंजी है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संघ में कहीं पर भी जो है वो संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद एक के अंतर्गत राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कहीं पर भी नहीं किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो जो भारत के संविधान में भारत को है वो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघ राज्य में शामिल नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ कि जम्मू और कश्मीर है उसे संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र हैं और उन्हें अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिया गया है, जबकि भारत के 7 केंद्र राज्य क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल कब किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो किया गया था उसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद 11 कर दी गई है। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान के जो तृतीय वाचन की समाप्ति थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी।
और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। इस तिथि से यद्यपि संविधान के नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए थे, किंतु अंतरिम रूप से अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः संविधान है वो लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान का प्रारूपण है वो पूरा हुआ था। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है उसका प्रारूपण पूरा हुआ था, लेकिन अगर पूर्णतः हम लागू होने की अगर हम बात करते हैं तो वो है वो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो संविधान का जो प्रारूपण है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तथा संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर बी एन राव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर अंबेडकर सर को। ये जो भारतीय संविधान था उनके उनका जो निर्माता है वो बी आर अंबेडकर जी को माना जाता है। और आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का है। तो जो भारत है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो आपको बता दूं कि हम कंप्लीट सीरीज़ करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टोटल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।